दिल्ली के टॉप 5 आइकॉनिक टेम्पल जहां पर आप महाशिवरात्रि के टाइम पर विजिट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको वो 5 मोस्ट आइकॉनिक टेम्पल देखने के लिए मिलेंगे। एक ऐसी प्रेम गाथा जहां तपस्या अगर पार्वती की थी तो प्रतीक्षा महादेव ने की थी। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू हिंदुज्म द लव स्टोरी ऑफ अवर गॉड्स पार्वती एंड लॉर्ड शिवा मोर फॉन्डली कॉल्ड गौरी शंकर। ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो मैं आज आपको एक ऐसी ही डिवाइन यूनिवर्सल लव स्टोरी जो कि हमारे ब्रह्मांड में बहुत ही फेमस है और सिर्फ हम आम इंसानों ने ही नहीं बल्कि इस दुनिया के सारे लोगों ने और सारे भगवानों ने इसको बहुत ही सराहा है। तो ये मंदिर जाता है गौरी शंकर की डेडिकेटेड लव स्टोरी के लिए। तो मैं आपको ले आई हूँ चांदनी चौक के इस 800 साल पुराने गौरी शंकर टेम्पल में। चांदनी चौक का ये गौरी शंकर मंदिर जहाँ डिवोटीज की आस्थाओं का एक केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर में टोटल 127 सीढ़ियां हैं। हर हर महादेव। The temple has an 800-year-old brown lingam in a marble representation of female organ. The lingam is surrounded by a snake made up of silver and represents a cosmic pillar. और ये एक ऐसा मंदिर है कि सावन के टाइम पर यहाँ सभी लोगों को भगवान शिव के साथ उनके पूरे परिवार के पूजन का सौभाग्य भी मिलता है। स्वागत है आपका दिल्ली के शिव गौरी नागेश्वर मंदिर में। दिल्ली का ये मैग्निफिशेंट टेंपल छतरपुर टेंपल के बिल्कुल अपोजिट में है, तो आप जब भी छतरपुर टेम्पल आए तो यहाँ जरूर विजिट करें। इस टेम्पल का जो मैसेज है उसको पूरा जितना भी है उसको साउथ इंडियन टच दिया हुआ है। आप मेरे जस्ट ठीक पीछे देख सकते हैं जो बनावट है मंदिर की वो बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में है। शिव गौरी नागेश्वर मंदिर एक अद्भुत मंदिर माना जाता है। इस मंदिर के पत्थर पर कविताएं भी दर्शाई गई है। फ्रेंड्स, ये टेम्पल का एंट्रेंस था। इस मंदिर को देखने के लिए लोग सिर्फ दिल्ली से ही नहीं बल्कि अदर स्टेट से भी यहाँ पर विजिट करते हैं। भगवान गौरी शंकर के अलावा आप यहाँ पर माँ काली, देवी लक्ष्मी और भी देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर को कम्प्लीटली व्हाइट सैंडस्टोन से बनाया हुआ है और मंदिर की सभी जगहों पर जाली का काम करवाया गया है। इस आर्किटेक्चर को वेसारा आर्किटेक्चर कहते हैं। ये श्री गौरी शंकर टेम्पल का फर्स्ट फ्लोर था जहां पर
दुर्गा जी की 9 शक्तियों को दिखाया गया है। इस टेंपल का ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव लोकेशन था, जहां पर शिव को श्रद्धांजलि देने के लिए महाशिवरात्रि को हर साल एक महान शो और धूमधाम से मनाया जाता है। ये है हिंदू धर्म के उन मंदिरों में से एक जहां आज भी गूंजती हैं प्राचीन कथाएं। ईस्टर्न इंडिया का शहर पुरी के जगन्नाथ मंदिर से इंस्पायर्ड ये मंदिर एक दिव्य यात्रा की तैयारी करता है, जिसे रथ यात्रा कहा जाता है। जब भगवान श्री जगन्नाथ अपने भाई और बहन सुभद्रा और बाल भद्र के साथ निकलते हैं एक विशाल रथ यात्रा पर, जो पेश करता है एक गजब का नज़ारा, तो आप आ रहे हैं ना इस गजब के नज़ारे को देखने। नमस्ते दोस्तों, तो मैं आज आपको एक ऐसे ही मंदिर के दर्शन कराने ले आई हूँ जिस मंदिर के भगवान को पूजा जाता है लोगों की आस्थाओं में, जिनको पूजा जाता है भगवान विष्णु की तरह, जिनको पूजा जाता है भगवान श्री कृष्ण की तरह, जो बसते हैं दिन के उजालों में, जो बसते हैं रात के अंधेरों में। तो मैं ऐसे ही भगवान की बात कर रही हूँ जो है जगत के नाथ भगवान श्री जगन्नाथ। श्री नीलांचल सेवा संघ हैड एस्टैब्लिश्ड द टेंपल इन हॉजखास इन 1969 आफ्टर एक्वायरिंग लैंड फ्रॉम डीडीए। Starting its journey from Snan Yatra, the Jagannath temple in Hojkhas, the chariot of Lord Jagannath is pulled by his devotees. Rath Yatra procession have been historically common in Vishnu-related tradition in Hinduism across India. इस मंदिर का नाम दिल्ली के प्रमुख मंदिरों में से गिना जाता है। ऐसा माना जाता है कि योगमाया मंदिर उन 5 मंदिरों में से एक है जो कि महाभारत काल से जुड़े हुए हैं। सो फ्रेंड्स, जिस 5000 साल पुराने टेंपल की मैं बात कर रही थी, तो वो यही 5000 साल पुराना टेंपल है जिसको बनाया था पांडव्स ने एट द एंड ऑफ महाभारत। So please welcome to Yogmaya Temple, the illusionary power of God. Let's go. According to local priest and native records, ऐसा माना जाता है कि ये उन 27 टेंपल में से एक टेंपल है जो कि प्री सल्तनत पीरियड से रिलेट करता है, जो कि अभी तक यूज में है। योगमाया टेंपल आल्सो अ जोगमाया टेंपल इज अ हिंदू टेंपल शक्तिपीठ डेडिकेटेड टू गॉडेस योगमाया। धार्मिक विरासत को समेटे हुए दिल्ली का ये मंदिर डेडिकेटेड है दुर्गा माँ के छठे स्वरूप देवी माँ कात्यायनी को। स्वागत है आपका दिल्ली के छतरपुर मंदिर में। छतरपुर मंदिर दिल्ली का सबसे फेमस टेंपल है, जिसे देखने के लिए लोग अदर स्टेट से यहाँ पर आते हैं। इसकी जो लोकेशन है वो गुरुग्राम और मेहरोली रोड पर है।
इसका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो छतरपुर मेट्रो स्टेशन ही है, और मेट्रो स्टेशन से ये सिर्फ 500 मीटर की वॉकिंग पर ही है। माँ दुर्गा के दर्शन के अलावा यहाँ आप गौरी शंकर, विष्णु, देवी लक्ष्मी जी और भी देवी देवताओं के दर्शन आप कर सकते हैं। छतरपुर मंदिर अपने आप में एक ऐसा मंदिर है जहां आपको एक ही लोकेशन पर आप सारे देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलिए मेरी माता श्री से, मैंने तो इनको दर्शन करा दिए हैं, तो आप कब आ रहे हैं अपनी फैमिली को दर्शन कराने के लिए? मंदिर का वास्तविक नाम श्री आध्याय कात्यानी शक्तिपीठ मंदिर है, और ये दुर्गा कात्यानी माँ के दर्शन आप लोग मेरे साथ साथ कर ही रहे हैं। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप मुझे सजेशन और एडवाइस भी दे सकते हैं। मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और आप जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। अपने ऐसे ही वीकेंड को और भी खूबसूरत और भी ब्यूटीफुल और भी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए लिली वंडर स्ट्रीट्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति, मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जगह के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, खाते पीते रहिए और लिली वंडर्स को देखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।